उचाना में बीजेपी प्रत्याशी प्रेमलता ने भी नामांकन भरा। इस दौरान प्रदेश प्रभारी अनिल जैन, पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह मौजूद रहे। जनसभा का आयोजन किया गया। प्रदेश प्रभारी अनिल जैन ने दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधते हुए कहा कि जो शख्स अपने परिवार का ही नहीं हो सका वो किसी और का कैसे होगा। साथ ही उन्होंने बीजेपी को जीतने की और बीजेपी को जिताने की अपील भी की। वहीं प्रेमलता ने कहा कि जीत हासिल करने के बाद उनकी प्राथमिकता अधूरे कामों को पूरा करना ही होगी। तो उचाना से आज प्रेमलता ने दरअसल अपना नामांकन भरा और नामांकन के दौरान अच्छी खासी भीड़ नामांकन भरने तक के स्थल तक पहुंची और भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता यहां इस नामांकन प्रक्रिया में शामिल हुए। अनिल जैन जो कि सूबे के प्रभारी भी हैं वो भी पहुंचे हुए थे। हालांकि इससे पहले सवाल खड़े किए जा रहे थे कि उचाना से क्या प्रेमलता को एक बार फिर से टिकट मिल पाएगा। चलिए आपको सुनवाते हैं अनिल जैन ने इस दौरान क्या कुछ कहा, वो सुनिए आप। मैंने देख लिया आपकी बार 75 पार होने वाला। भाई देखो एक बात सुनो, इसने तो जो आ रहा हमारे सामने जो आ रहा है उसने तो जैसे चौधरी रामपाल जी ने कही ना कि वो घर फूंकने वाला बंदर है, घर फूंकने वाला बंदर है। देखो उसने तो अपने सब घर की मरोड़ काट दी कि ना, अपने घर की सारी मरोड़ काट दी और इसकी मरोड़ आपने काट ली। जनता के बीच में नए तो देखो पहली बात ये कि पिछले 5 सालों में जो मैंने काम किए हैं और उसमें जो बच गए हमारे काम, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनके हमारे मुख्यमंत्री ने 14 प्रोजेक्ट का तो पत्थर रखा था और 4 का रखा था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। तो 18 हमारे नए काम हैं जिसमें बाईपास उचाना भी है, जिसमें ये हमारा और भी बहुत काम है, वो सारे हमारे शुरू हो जाएंगे क्योंकि आचार से। हाँ उसमें 10 गाँव का पानी भी है जो सिरसा ब्रांच का है, उसमें दोनों गसवागी, छोटा डुमरखा, करसिंधु, काबरछा, अलीपुरा, ये आएंगे 10 गाँव आएंगे इसमें और उसका काम शुरू हो जाएगा। देखिए मुकाबला मैं तो हर एक से समझती हूँ, चाहे वो BSP का कैंडिडेट हो, चाहे वो BJP चाहे NLO का हो, चाहे JJP का हो, चाहे वो किसी और पार्टी का हो, मेरे लिए सब बराबर है।